नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खास बात वीर सिंह के साथ। दोस्तों, कन्हान के थानेदार विलास काड़े इन दिनों चर्चा में हैं। चर्चा में क्यों है ये आपको हम बताते हैं। उन पे आरोप है कि उन्होंने थाने में बुला करके आनंद नायडू इन्हें मारा है। जानकारी मिलते ही हमने इस तथ्य के सत्य तक पहुंचने की पूरी कोशिश की और इसमें हमने विलास काड़े जी से भी बात किया और हमने आनंद नायडू जी से भी बात किया। जब हमने आनंद नायडू जी से बात किया, उनसे पूछा कि आखिर मामला क्या है, तो उन्होंने क्या क्या बताया, पहले हम वो आपको सुनवाते हैं। मैं वीर सिंह बोल रहा हूँ। कहाँ से भैया? NBC न्यूज नागपुर से। हाँ बोलिए। जी, तो वो मामला क्या था, मैं वो जानना चाह रहा था कि आखिर क्या हुआ था। आपने आरोप लगाया कि थानेदार ने मारा है आपको। हाँ हाँ जी, तो क्या हुआ था वो? उसने थाने में बुलाया। नाम किसने बुलाया आपको? क्या बोले? किसने बुलाया आपको? थानेदार ने। तो आपको उन्होंने कॉल किया था? नहीं नहीं, कॉल मेरे को नहीं किया। फिर कैसे बुलाया? मेरे दोस्त ने उन्हें बुलाया। कौन से दोस्त को बोले थे बुलाने के लिए? सचिन के। अच्छा, उन्होंने सचिन को कॉल किया था कि आपको बुलाने के लिए था। एक मिनट भैया, मैं थोड़ा सा आप मिल के बात करते हैं। मैं एक्चुअली न्यूज बना रहा था, इसलिए बोला कि मैं बोला मिल के बात करते ना। मैं घर पे हूँ, असल बात वो बच्चे की तबीयत खराब है, मैं उसको हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। दो मिनट दे देते तो हो जाती थी बात। चलिए ठीक है। तो आपने देखा कि उनके जवाब किस प्रकार से आ रहे थे। इसी मामले से संबंधित हमने विलास काड़े जी को फोन किया, जो कि कन्हान के थानेदार है, उनसे बात किया। उनसे क्या बातचीत हुई, हम वो भी आपको सुनवाते हैं। सर, जो आपने जिनको मारा है उनका नाम क्या है? हमने पहली बात तो ये कि किसी को मारा नहीं, मगर जिन्होंने हमारे ऊपर आरोप किया है उनका नाम है आनंद नायडू और सचिन यादव। उनका ऐसा स्टेटमेंट हमने देखा किसी न्यूज चैनल पे कि नाम पूछा साहब ने और मारना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से हम लोगों को समझ में नहीं आया कि एक इंस्पेक्टर साहब ऐसा किए हैं या नहीं किए, और कैसे कर सकते हैं, नाम पूछे कैसे मार सकते हैं। ये ऐसा है, आनंद नायडू और सचिन यादव ये अवैध जीविका आटा चलाते है। अच्छा। ये दुर्गा मंगल हॉल के पीछे मुन्ना के खेत में, वहाँ उनकी मारपीट हुई है और वो शिकायत देने थाने में आए थे। तभी उनको किसी का फोन आया तो वो बिना शिकायत दिए चले गए। अच्छा। और हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे कि हमने मारपीट की। तो उन्होंने आपके पास पहले रिपोर्ट दर्ज करने के लिए आए थे, ऐसा कहना आपका? हाँ हाँ। तो वो रिपोर्ट दर्ज किए नहीं, जिनके खिलाफ वो रिपोर्ट दर्ज करने आया तो उन्होंने किया ही नहीं? नहीं किया ही नहीं, उनको किसी का फोन आया तो बिना दर्ज किए चले गए वो। ओके। और जो बातें ये आ रही है कि मारने वाली जो बातें आ रही है उसमें क्या सच्चाई है? हमने किसी को मारा नहीं, किसी को पीटा नहीं। मतलब ये ऐसा बोला जाए कि फिर आपके ऊपर ये झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है, इसको राजनीतिक षड्यंत्र दिया? उनका जो जुए का आटा बंद किया है उसी की वजह से वो झूठे इल्जाम लगा रहे पुलिस के ऊपर। लेकिन जो लोग कुछ यहाँ के स्थानीय नेता हैं जो उनके सपोर्ट में आए हैं, उन्होंने भी इल्जाम लगाया कि आपके ऊपर इल्जाम लगाया कि आप जुए के अड्डे को बढ़ावा देते हैं, देह व्यापार को बढ़ावा देते हैं, इस तरीके के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। हमने यहाँ थानेदार कनान में आने के बाद हमने कोयला चोरी के 23 केस दर्ज किए हैं जी, युवा सट्टे के 49 केसेस दर्ज किए हैं और शराब बेचने वाले के खिलाफ 126 केसेस अभी तक दर्ज किए हैं। और जो भी कोई इलीगल अवैध धंधा करता है तो उसकी जानकारी निकल के उसके ऊपर तक कानून कार्रवाई की जा रही है। इनके अवैध धंधे बंद होने से पुलिस के ऊपर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। अच्छा, आपका कहना है कि अवैध धंधे बंद कर रहे हैं इसीलिए ये लोग थोड़ा सा चिढ़ रहे हैं और आपको षड्यंत्र के तहत फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, आपका ऐसा कहना है? यस यस यस। चलिए ठीक ठीक है सर, ठीक ओके। तो आपने देखा कि एक तरफ जिन्होंने थानेदार विलास काड़े पे मारने का आरोप लगाया था, उनके पास सही जवाब नहीं है, वो मिलकर बात करना चाहते हैं। अगर वो मिलकर बात करना चाहते हैं तो हम उन्हें अपने NBCN न्यूज चैनल में आमंत्रित करते हैं कि आइए हम सारी बातचीत कैमरे के सामने करेंगे। उसके बाद आपने देखा कि हमने विलास काड़े जो कि थानेदार है उनसे भी हमने बातचीत की और बातचीत दोनों का आपने सुना और सत्य क्या है इससे अनुमान लगाया जा सकता है। दोस्तों, जहां तक बात है रेती कोयला जुए व इत्यादि चीजों की जो अवैध तरीके से चल रहे हैं या चल रहे थे, उस पर जब लोगों से आप पूछेंगे या फिर आप अपने मन से सवाल पूछेंगे इस क्षेत्र में जाने के बाद कि आखिर ये चीज़ किन के सपोर्ट से चलते हैं और इसमें किन लोगों का सपोर्ट होता है और ये चलाने वाले किसके लोग होते हैं, तो जवाब अपने आप आपको मिल जाएगा। दोस्तों,
कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है कि थाना हो या फिर नगर परिषद, वो अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। इससे पहले भी एक मामला हुआ था जिसमें CEO गावंडे पे एंटी करप्शन ब्यूरो की रेड हुई थी, और आखिर रेड कैसे हुई थी, क्या हुई थी, ये एक विचारणीय था और एक गहन मामला था। जिन्होंने रेड डलवाया था वो नगर परिषद को शायद अपने हिसाब से नहीं चला पा रहे होंगे, इसीलिए CEO को ऐसा फंसा दिया गया, और उसके बाद आज तक कन्हान में एक अस्थायी CEO नहीं मिल पाया है। ठीक उसी प्रकार यह मामला नज़र आ रहा है कि क्या थानेदार को भी फंसाने की कोशिश की जा रही है अथवा नहीं, ये आने वाले समय में हम आपको बताएंगे। इससे जुड़ी जानकारी और जो सत्य है वो हम आप तक लेकर आएंगे। आप देखते रहें आज की खास बात NBCN न्यूज़ पर।